स्त्री का दुख, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। एक करीब करीब 40 साल की महिला मेरे पास में आई और काफ़ी सारा मतलब ऐसा डिस्टर्ब है, उदास है, और उसका ये कहना था कि शादी को 15 साल हुए और 15 साल के बाद में भी उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं ये घर में आके सुखी नहीं हूँ। ये घर में मैं आई 15 साल पहले घर में आई और यहाँ आने के बाद में भी जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा है। मतलब मिलना चाहिए था बोले तो क्या है कि भाई खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, रहने को मिल रहा है, मगर सुख नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। उसको डिप्रेशन हो गया था मतलब। तो उसको पूछा मैंने क्या है, तो बोले मुझे ऐसा लगता है, और जो सभी स्त्रियों के बारे में ऐसा हो सकता है, कि भाई मुझे ऐसा एक खिलौना जैसा वापर लिया जाता है। शादी करके लाया है तो वही हिसाब से कि चलो घर में एक ऐसी लेडी मिलेंगी कि जो 24 घंटे घर में है, संसार अपना जो है वो आगे बढ़ाएंगी, बच्चे होंगे, घर में काम करेगी, जब पति घर पे आएगा तो उसका ख्याल रखेंगी और घर चलाएंगी। मतलब मकसद ही वही था। तो मुझे ऐसा खिलौना जैसे वापर लिया और वापर ले रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। अभी भी कोई एम नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस चल रही ज़िंदगी। और जब कोई सामने दिखता नहीं है, कुछ करने लायक दिखता नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है कि जीने में क्या मतलब है। उसको ये लगता है कि अपना हस्बैंड ऐसा क्यों अपने से रिश्ता रखता है, मतलब इस तरह का क्यों बिहेव करता है कि भाई एक खिलौना हूँ मैं, बस रात को आना, ज़्यादा बातचीत नहीं करना। उसको लगता है कि भाई मैंने कुछ बातचीत करना है तो वो नहीं सुनना, खाना खाना, सेक्स करना, वो करना जब चाहिए तो करना है तो नहीं करना और सो जाना। तो इसमें ऐसा लगता है कि भाई अपना पढ़ाई क्या है, मतलब यहाँ रहे क्यों रहे मैं, आई क्यों यहाँ। और इसमें फिर उसको डिप्रेस फीलिंग आ गया, एक डिप्रेशन जैसा उसको लग रहा है। और फिर उसको लगता है कि भाई अपने बस खुदकुशी कर लिया तो अच्छा है, इससे तो मर गया तो अच्छा है, मतलब इस तरह का जीवन। जब मैंने काउंसलिंग सेशन उस टाइम शुरू किया तो मैंने उसको बोला कि देखो ये आपकी नहीं है, ये सभी जगह यही चालू है। जब लेडी यदि कोई खुद काम करती नहीं है तो हमारे देश में ऐसा है कि ज़्यादातर लेडीज जो है जो काम करती नहीं है तो उनको यही करना पड़ता है कि घर का काम करो, बच्चे संभालो, खाना पकाओ, घर साफ रखो, मेहमान उनका आवागमन हो रहा है तो उनको देखो, यही है, वही है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके घर में हो रहा है। अभी आपको ये करना पड़ेगा कि भाई मैंने क्या करना चाहिए, मतलब आपने खुद ने क्या करना चाहिए, आपका ऐसा कुछ आप डेवलप कर सकते कि जिसमें आपको खुशी लगेगी। कोई आप हॉबी डेवलप कर सकते हैं, कोई छंद आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई नया कुछ सीख सकते हैं, कंप्यूटर सीख रहे, कोई भाषा सीख रहे, कोई इंग्लिश सीख रहे, कुछ अपने पति के बिजनेस में, वो बातचीत नहीं करता, उसको टाइम नहीं होता, आप उनके बिजनेस में जाके कुछ काम कर सकते हैं, वहाँ का आप सीख सकते हैं कुछ, या फिर अपना खुद का चालू कर सकते हैं, कोई बुटीक चालू कर देते, कोई ड्रेस लाते हैं बेचते हैं, मतलब एक कमाने के हिसाब से नहीं, अपना टाइम जाएंगा वो हिसाब से। होता क्या है कि करीब करीब 45-50 साल की उम्र में तो लेडीज़ को डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि तब तक बच्चे बड़े हो जाते, बच्चे एक बार 7-8-10 साल के हो गए कि वो माँ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते, वो उनका अपना अपना कर लेते, फिर अभी ये खाली हो जाती है। अभी तक क्या था कि बच्चे छोटे थे तो उनका ही करना सुबह से रात तक, उनके पीछे दौड़ना, उनको खाना खिलाना, उनकी पढ़ाई लेना, वो थोड़े बड़े हो गए तो उसको लगता है कि मेरे पास में काम ही बचा नहीं है, और फिर डिप्रेशन आता है। तो ऐसे इसमें पहले से उसकी तैयारी करना चाहिए लेडी ने, कि भाई अपने को पढ़ाई लिखाई करना है, उस तभी अपना खुद का चालू करना है, तो उसके लिए क्या हमने बेस तैयार करना है, वो करेंगे तो ये डिप्रेशन का काम आएगा नहीं। तो काउंसलिंग में उसको काफ़ी क्लियर हो गया और बोले कि ठीक है अभी मैं मेरा चालू करूँगी कुछ ना कुछ, जो बिजनेस में मुझे अच्छा खासा कमाई भी होंगी, मेरा खर्चा मैं खुद निकालूंगी, मेरा समय भी अच्छा जाएगा, और एक मेरे को अच्छी भावना आएंगी कि भाई नहीं मैं कुछ वर्दी हूँ। तो ऐसी काफ़ी सारी लेडीज़ है, सभी हाउसवाइफ को ये वीडियो शेयर करो, ज़्यादातर हाउसवाइफ यही फेस में से जाती रहती है, तो उनको इसमें से कुछ ओपनिंग मिले तो उनका अच्छा हो जाएगा, उनका एक जीवन अच्छा जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।